अंडरटेकर की एंट्री से लेकर रिकीसी का ये मस्ती भरा मूव, स्टोन कोल्ड का ये बियर वाला स्वैग और फिर डी-रॉक का ऐसा शानदार जलवा। आज हम चाहे जिस एज पर भी पहुंच चुके हो, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि बचपन का वो शौक आज भी हमारे जीवन में उसी तरह बरकरार है, जिसका नाम है WWE। इस खेल का हर कोई दीवाना था, है और शायद हमेशा रहेगा भी। लेकिन WWE के इन सुपरस्टार्स की एक और भी दुनिया है जो इस रिंग से बाहर की है। इनका परिवार, इनकी दौलत, इनका खान पान और इनका रहन सहन, इस अद्भुत खेल से ये करोड़ों में कमाते हैं और अपनी दौलत को इसी तरह उड़ाते भी हैं। जी हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे WWE के एक ऐसे ही स्टार की कहानी जिसने अंडरटेकर और डी-रॉक जैसे महान सितारों की विरासत को आगे बढ़ाया और बन गया WWE का नया सुपरस्टार रोमन रेंस। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे, जो रिंग में कभी सुपरमैन पंच तो कभी अपने खतरनाक स्पीयर्स के लिए जाना जाता है। लेकिन WWE का ये स्टार WWE में आने से पहले एक फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने इसे यहाँ पहुँचा दिया। रोमन का असली नाम लेटी जोसेफ एनोई है। इनके नाम में लगा एनोई वो वजह है जिसने लेटी जोसेफ को रोमन रेंस बना दिया। ये वो परिवार है जिसने WWE को रोक, रिकीसी और युकोजुमा जैसे सुपरस्टार्स दिए। फिर ये कैसे संभव था कि इस परिवार का सदस्य होते हुए भी भला रोमन WWE में कदम ना रखे। साल 2010 में जैसे ही रोमन WWE में आए, आते ही छा गई। हर किसी को लगने लगा कि WWE में एक नए स्टार का जन्म हो गया है। साल 2010 में आया ये खिलाड़ी साल 2014 आते आते ही सुपरस्टार ऑफ द ईयर बन चुका था। फिर क्या था, रोक का ये भाई एक खिलाड़ी से स्टार और स्टार से सुपरस्टार, देखते ही देखते WWE में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गया। आज रोमन हर साल लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा केवल WWE से खेले मैचेस से कमा लेते हैं, जबकि विज्ञापनों से होने वाली इनकी कमाई का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ब्रांड एंडोर्समेंट इंडस्ट्री की माने तो उनका कहना है कि रोमन जैसे सुपरस्टार को साइन करने के लिए कंपनियों को कम से कम 10 करोड़ तो खर्च करने ही पड़ेंगे। वैसे इनकी कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोमन की कुल संपत्ति आज की डेट में 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है, जबकि पिछले 3 सालों में रोमन की नेटवर्थ 30% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा अगर प्राइज मनी की बात की जाए तो रोमन अब तक 3 बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 1 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, टैग टीम चैंपियन और फाइनली यूनिवर्सल चैंपियन, इन सभी खिताबों को जीतने के बाद इनसे करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। अब इतने पैसे कमाकर कोई भी इंसान एक लग्जरी लाइफ ना जिए, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तो रोमन के पास कई घर हैं, लेकिन अगर बात करें इनके स्वीट होम की जहां इनका पूरा परिवार रहता है, तो वो है फ्लोरिडा में मौजूद इनका ये घर। ये घर कई हजार फीट में फैला हुआ है। इस आलिशान बंगले की कीमत आज के दिन में लगभग 50 करोड़ रुपए है। करोड़ों के इस बंगले में स्विमिंग पूल, लग्जरी आइटम्स, 2 शानदार जिम और जबरदस्त व्यू जैसी दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं। वहीं अगर इनके कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनकी कारों की पसंद बताती है कि अपने हैवी वेट शरीर की तरह रोमन को कारें भी बीस्ट ही पसंद आती है। 3 करोड़ की रेंज रोवर से लेकर लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज से लेकर फॉर्च्यूनर तक कई लग्जरी गाड़ियां रोमन के कलेक्शन में हैं, जिनकी कुल कीमत ही करोड़ों रुपए में है। रोमन को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद है, इसके लिए वो अक्सर ही आउटिंग पर जाते हैं। रोमन को खुद ड्राइव करना भी बेहद पसंद है, जहां सबसे ज्यादा उन्हें अपनी बीस्ट फॉर्च्यूनर को चलाते हुए देखा गया है। इसके अलावा जो आप रोमन के दाएं हाथ पर ये टैटू देख रहे हैं, जो हूबहू उनके भाई डी-रॉक के बाएं हाथ में मौजूद टैटू से मिलता है, इसे बनवाने के लिए भी रोमन ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। दरअसल इस टैटू की भी एक खास कहानी है जो एनोई फैमिली से ही जुड़ी हुई है। इस फैमिली का सदियों पुराना संघर्ष इस सिंगल टैटू में झलकता है और इसीलिए रोमन ने भी इसे बनवाने के लिए लाखों रुपए हंसते हंसते खर्च कर दिए। वहीं रोमन के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो अपनी कमाई हुई दौलत केवल अपने ऊपर ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए और लोगों पर भी खर्च करते हैं। अपने स्टाफ से लेकर अपने रिश्तेदारों तक को वो हमेशा ही कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते रहते हैं, जो कभी कार तो कभी घर के रूप में होते हैं। इसके अलावा वो कई चैरिटी संस्थाओं से भी जुड़े हैं, जहां वो हमेशा ही दान देना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि रोमन खुद भी ब्लड कैंसर का शिकार रह चुके हैं, जिसकी वजह से 1 साल तक वो रेसलिंग से दूर रहे। लेकिन 2019 में उन्होंने इस बीमारी से जंग जीत ली और वापस रिंग में उतर गए। इस बीमारी ने उन्हें लगभग 12 सालों तक परेशान किया। शायद इसी वजह से रोमन को चैरिटी करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनका मानना है कि वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो पैसों की वजह से अपनी किसी जानलेवा बीमारी का इलाज नहीं करा पाते। अगर बात खाने पीने की जाए तो यहाँ भी रोमन के शौक बेहद अलग है, जहाँ वो
अपने हाथों से नई नई डिशेज बनाने का एक्सपेरिमेंट अक्सर ही करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खाना बनाना बेहद पसंद है। वैसे छुट्टियां मनाने के लिए रोमन दुनिया भर की सैर भी करते हैं, जहां हाई क्लास रेस्टोरेंट और रिजोर्ट में समय बिताना भी इन्हें पसंद है। दिखने में ये खिलाड़ी जितना कमाल का है, इसका ड्रेसिंग स्टाइल भी उतना ही कमाल है, और इसे कमाल बनाने के लिए वो हर महीने अच्छे खासे डॉलर्स भी खर्च करते हैं। रोमन के चश्मे से लेकर उनकी घड़ी, सूट और बेल्ट तक दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनर्स अरमानी और वर्साचे डिजाइन करते हैं, जिनके एक एक प्रोडक्ट की कीमत ही लाखों में होती है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जल्द ही रोमन अपने बड़े भाई दी रोक की तरह हॉलीवुड में भी ग्रैंड एंट्री लेने जा रही है, जहां अगर वो दी रोक की तरह कामयाबी हासिल करते हैं तो रोमन की ये दौलत कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका फेवरेट WWE स्टार कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।